हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपके वेजिटेबल स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी और कड़क कैसे बन सकते हैं, तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है इसके अंदर। तो गाइज, वीडियो पूरा देखिएगा, और रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए गाइज मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग्स करके रखी है। इसके अंदर सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया, इसे फाइन जूलियन कट कर लिया, साथ में आधा कैप्सिकम को भी जूलियन कट कर लिया। कैबेज लिया है मैंने, यहाँ पर आधे कैबेज लिए, इसे भी फाइन जूलियन कट कर लिया। साथ में यहाँ पर हमने थोड़ा सा पालक लिया है, इसे जूलियन वर्बली कट कर लिया। और हाँ, कैरेट को हमें फाइन जूलियन कट करना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो हमारे स्प्रिंग रोल के अंदर ये एकदम फट सकती है, यानी घुस जाती है, और इसमें स्प्रिंग रोल फटने की संभावना रहती है। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। सबसे पहले हम इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन के अंदर 2 छोटे चम्मच जितना ऑयल ऐड कर लिया। साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गार्लिक, यानी 1 छोटा चम्मच गार्लिक ऐड कर लेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। जैसे ही गार्लिक हमारा 80% तक सौते होता है तो मैं इसके अंदर ऑनियन और कैप्सिकम ऐड कर लूँगा। ऑनियन और कैप्सिकम हम वर्बली पकाएंगे। जब ऑनियन का कच्चापन दूर हो जाएगा ना, तब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कैबेज और कैरेट। बस कैबेज और कैरेट को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इनको अच्छे से सौते करेंगे। कैरेट के अंदर थोड़ा सा समय लगता है और कैबेज भी कच्ची अच्छी नहीं लगती, तो हम इसे पहले अच्छे से थोड़ा सौते कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर पालक ऐड कर लेंगे। गाइज, पालक हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, तो पालक को हमने देखिए सबसे लास्ट के अंदर ऐड कर लिया। और थोड़ी देर तक हम और सौते करेंगे, मात्र 2 मिनट तक हम इसे पालक को लो फ्लेम के ऊपर चलाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे स्वाद अनुसार, साथ में 1/2 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर या उससे थोड़ा कम रखेंगे, 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा एरोमेट पाउडर डाल देंगे, 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर टोमेटो केचप ऐड कर लूँगा, और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पर हम रेड चिली सॉस डाल देंगे। सोया सॉस अगर आप डालना चाहें तो हल्का सा डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। गाइज, याद रहे चाइनीज़ सॉसेज के अंदर भी नमक आता है, इसीलिए हमें इनके अंदर थोड़ी सी नमक की मात्रा पहले कम रखनी चाहिए। बाद में एक बार टेस्ट कर लगता है आपको तो थोड़ा सा नमक और भी हम डाल सकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर सारे मसालों को करीब 1 से 1.5 मिनट तक हम पैन के अंदर चलाएंगे, तो सारे मसाले हमारे अच्छे से पक भी जाएंगे। इसके बाद हम एक बाउल के अंदर डालकर इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतला बैटर बना लेंगे, जो स्प्रिंग रोल जब हम फोल्ड करेंगे ना तो उनके साइडों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर 2 छोटा चम्मच मैंने मैदा ऐड कर लिया, और साथ में 2 ही छोटा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। दोनों को पहले अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसके अंदर कंसिस्टेंसी कोई दिक्कत नहीं है, बैटर हम एकदम पतला बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा पानी ज़्यादा भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसे बढ़िया सा मैश कर आप विस्कर की सहायता से भी विस्क कर सकते हैं, और एकदम पतला बैटर बना लेंगे, ये देखिए। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर गाइस, आज हम बनाएंगे सीट के स्प्रिंग रोल बनाएंगे। सीट के स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं, किस तरह यूज की जाती है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सीट का पैकेट लिया है। पहले ऊपर से आराम से इसे कट कर लेंगे, एक तरफ से हम कट करेंगे, जितना हमें रिक्वायरमेंट है स्प्रिंग रोल की उतनी ही हम निकालेंगे। उसके बाद में हम सीट को रख लेंगे, वापस पैक करके रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पर मैं 4 से 5 सीट निकाल लेता हूँ, इतना का हम स्प्रिंग रोल बना लेते हैं, बाकी सीट को हम कवर करके रख लेंगे। देखिए आराम से उतारना हमें, इस तरह साइड पकड़कर एक एक सीट को पकड़कर हमें आराम से खींचेंगे। ज़्यादा ज़ोर से अगर आपने खींची तो सीट फट सकती है। बस इस तरह आराम से खींच खींच कर हम सीट निकाल लेंगे। उसके बाद हाथों हाथ इस सीट को वापस अंदर डालकर क्लीन रैप करके रख लेंगे, और जो सीट हमने बाहर निकाली ना उसके ऊपर हमें गीला कपड़ा करके रख देना है। ज़्यादा देर तक अगर ये ऐसे रह गई तो सूख जाएगी, और उसके बाद आपके स्प्रिंग रोल सही से नहीं बनेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्हें गीले कपड़े के अंदर डाल देना चाहिए। बस एक सीट मैंने बाहर निकाल ली, वापस कपड़ा इसके ऊपर रख दिया। अब जितना मसाला हमें रिक्वायरमेंट है उतना मसाला हम लेंगे और सीट के अंदर डालेंगे। ये देखिए जो बीट का बीच वाला पार्ट है ना, इसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, बस इस तरह लंबा लंबा फैला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चम्मच से हल्का हल्का सा जो बैटर हमने कॉर्नफ्लोर मैदा का बनाया था वो इसके साइडों में लगा लेंगे। बस इस तरह आपको चारों तरफ लगा लेने का है, नीचे नीचे लगाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
देख सकते हैं आप, मैं नीचे नीचे लगा लिया। अब जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम पकड़ कर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, बस आराम से यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। दोनों उंगलियों से अंदर का जो ये हमारा माल है इसे अंदर की तरफ दबाएंगे और शीट को इसके ऊपर प्रेस करेंगे। उसके बाद वापस इधर से हम पकड़कर आराम से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, बस जैसे ही ये सेंटर में पहुंच जाता है दोनों तरफ से, तो हम हल्का हल्का सा बैटर साइड हम और लगाएंगे। ये देखिए, ये बैटर लगाने से क्या होगा कि यहाँ से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और ये चिपक भी जाएगा। तो जब हम डीप फ्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसके अंदर कहीं भी ऑयल अंदर नहीं घुसेगा। ये देखिए, हल्का हल्का से यहाँ आगे हम लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाएगा और इसे वापस फोल्ड कर देंगे। बस आराम से थोड़ा टाइट घुमा के हम फोल्ड करेंगे तो इससे हमारे स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, बस बढ़िया सा एकदम टाइट घुमा के मैंने फोल्ड कर लिया। देख सकते हैं आप, कहीं से भी ये लूज नहीं है। अगर ये लूज और ढीला रहेगा तो आपके स्प्रिंग रोल भी एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे, थोड़े ढीले रहेंगे। चलिए मैं एक और बना के दिखा देता हूँ आपको। बस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे मसाला हम, और एक बार चारों तरफ हम सॉरी नीचे की तरफ अच्छे से बैटर लगा लेंगे बस, और इसे पकड़कर इस तरह प्रेस कर देंगे। जैसे ही सेंटर में पहुंचता है हल्का हल्का सा हम दोनों तरफ और लगाएंगे बैटर और इसे प्रेस कर देंगे, सील कर देंगे साइड है, ताकि अंदर ऑयल जाने की संभावना ख़त्म हो जाए। बस और उसके बाद बढ़िया सा प्रेस कर कर थोड़ा टाइट घुमाएंगे यहाँ से हम। ये देखिए, बढ़िया सा एकदम और टाइट स्प्रिंग रोल हमने बना लिया है। इसी तरह अगर आप टाइट स्प्रिंग रोल मोड़ोगे तो आपके भी स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी और कड़क बनेंगे, बिल्कुल भी कहीं ढीले नहीं रहेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर एक प्लेट्स के अंदर मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर लेके सारे स्प्रिंग रोल के ऊपर अच्छे से कॉर्नफ्लोर लगा रहा हूँ। अगर आप 2 से 3 दिन तक इनको रखना चाहते हैं तो इस तरह रख सकते हैं, आराम से कॉर्नफ्लोर लगा के अगर रखेंगे तो 2 दिन आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको डीप फ्राई करना है, स्प्रिंग रोल निकाला गरम गरम ऑयल के अंदर डाल देंगे। बस आपको भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है, आपको भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपके स्प्रिंग रोल भी एकदम क्रिस्पी और एकदम कड़क बनेंगे। और गाइज, अगर आप हाथों हाथ डीप फ्राई करना चाहते हैं और हाथों हाथ खाना चाहते हैं, तब तो आपको कॉर्नफ्लोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथों हाथ आप जैसे स्प्रिंग रोल की सीट को फोल्ड किया मोड़ा, उसके बाद डीप फ्राई कर सकते हैं। चलिए, करीब यहाँ पर 2 से 2.5 मिनट तक हम आराम से मीडियम से फुल फ्लेम के ऊपर इनको डीप फ्राई करेंगे। बस बीच बीच में हम झारा या स्लाइसर से इनको हिलाते भी रहेंगे। और ये देखिए, जब आपका इनका गोल्डन कलर आ जाए, एकदम कलर चेंज हो जाए, तब आप इनको निकाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बन चुके हैं हमारे, और बिल्कुल भी एकदम सबकी साइज भी सेम है, और बिल्कुल कहीं से ऑयल पिए हुए नहीं है, कहीं भी ऑयल इनके अंदर नहीं घुसा। इसी तरह अगर आप बनाएंगे तो आपके भी स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी और कड़क बनेंगे। चलिए, इनको आराम से बढ़िया सा कट कर लेते हैं एक साइज के अंदर और प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके जरूर, और साथ में इसके स्वीट चिली सॉस और टोमेटो केचप पिकअप कर लेंगे। अगर आपके पास स्वीट चिली सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप भी पिकअप कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।